वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द लार्जेस्ट कैट एंड अ पावरफुल प्रीडेटर ऑफ द वर्ल्ड, पैंथेरा टाइग्रिस, यानी टाइगर के बारे में। 29 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल टाइगर डे, जिसे हम इंटरनेशनल टाइगर डे के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, तो क्या होता है कि हर 2 साल या 3 साल में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन टाइगर से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं 2017 के यूपीएससी एग्जाम की, तो उसमें भी आपका टाइगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले स्लाइड की। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है दैट इंटरनेशनल टाइगर डे हैज़ बीन हेल्ड ऑन 29th ऑफ जुलाई एवरी ईयर सिंस 2010 व्हेन इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट एवर ग्लोबल टाइगर समिट टू सेव द टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन ऑर्गेनाइज फ्रॉम 21st नवंबर 2010 टिल 24 नवंबर 2010। तो ये आपकी जो समिट थी, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, वो आपकी फर्स्ट ग्लोबल टाइगर समिट थी जो 4 दिन के लिए चली, 21 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। द समिट वाज को होस्टेड बाय द रशियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन एंड द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट रॉबर्ट ज़ोलिक। तो ये जो आपकी समिट थी, ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन और वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट रॉबर्ट ज़ोलिक ने ऑर्गेनाइज करी थी या को होस्ट करी थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, जो यहाँ पे बात आ रही है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज की, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर टाइगर आपके पाए जाते हैं। सो द 13 टाइगर रेंज कंट्रीज नेमली इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया एंड होस्ट रशिया पार्टिसिपेटेड इन दी टाइगर समिट। मीन्स इसका जो होस्ट था, जहाँ पे यह ऑर्गेनाइज हुई थी, वो रशिया थी, और रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ही ये समिट आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आउटकम ऑफ द समिट। मीन्स ये जो समिट आपकी हुई थी, इसका आउटकम क्या था। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर्स बाय डबल बाय द ईयर 2022। ये प्रोग्राम जो है कहता था कि हम 2022 तक टाइगर्स की संख्या को जस्ट डबल कर देंगे। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि दैट बाय 2010 द नंबर ऑफ टाइगर ड्रॉप टू एन ऑल टाइम लो ऑफ 3200 एंड रिड्यूस टू जस्ट 5% ऑफ देयर हिस्टोरिकल रेंज। मतलब वाकई कम हो गई थी। तो इसी वजह से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम था ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कहा गया कि 2022 तक हम जितने भी टाइगर्स हैं उनकी संख्या को कोशिश करके दोगुना कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट सेज द टाइगर समिट वाज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स पुट बाय ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर ओवरआर्चिंग गोल वाज टू डबल द नंबर ऑफ टाइगर्स अक्रॉस देयर जियोग्राफिकल एरिया फ्रॉम अबाउट 3200 टू मोर देन 7000 बाय 2022। इन्होंने कहा कि 2022 तक हम जो टाइगर्स की संख्या है, जो कि उस वक्त 3200 थी, उसको दुगना यानी 7000 तक पहुंचाएंगे, ऐसा टारगेट लेकर ये चले। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ग्लोबल टारगेट इनिशिएटिव। अभी जिस इनिशिएटिव की हम बात कर रहे थे, अब उसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है क्या। द GTI, द फुल फॉर्म इज ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, वॉज लॉन्च इन 2008 एज अ ग्लोबल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिविल सोसाइटी टू सेव वाइल्ड टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। आप समझ ही गए होंगे कि वाइल्ड टाइगर्स को विलुप्त होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी ने मिलकर ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च करी। और इन 2013 द स्कोप वॉज ब्रॉडन टू इंक्लूड स्नो लेपर्ड, और इसमें स्नो लेपर्ड को भी इंक्लूड कर लिया गया। द GTI's फाउंडिंग पार्टनर्स इंक्लूड, इसके जो पार्टनर्स थे वो थे हमारे वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जिसका स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, सेव द टाइगर फंड, इंटरनेशनल टाइगर कोलिएशन रिप्रेजेंटिंग मोर देन 40 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स 40 आपके NGOs थे। द इनिशिएटिव इज लेड बाय द 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, जिनकी अभी हमने बात करी थी, जिसमें आपके चाइना, म्यांमार, ये कंट्रीज थी, वो कंट्रीज ने भी इनिशिएटिव लिया।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो प्रोजेक्ट टाइगर इज एक्चुअली एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, तो 1973 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। विद द एम ऑफ इंश्योरिंग दैट द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स इज वेल मेंटेन्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, दिस प्रोजेक्ट कंटिन्यूज टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रोटेक्ट एंड सेव द टाइगर। नेक्स्ट इज कैलाश संखाला वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। हमारे जो कैलाश संखाला हैं वो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर थे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, एनजीओस को और सेलिब्रिटीज को, जिन्होंने सेफ टाइगर कैंपेन के लिए काफी फंड इकट्ठा किया और गवर्नमेंट को फोर्स भी किया कि वो हमारे नेशनल एनिमल को बचाने के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लें, और जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है कि आज वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टाइगर इंडिया में है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व्स की, जो कि हमारी कंट्री में है। तो आपको बता दें कि जब टाइगर्स एक्सटिंग, मतलब बहुत ही क्रिटिकल एक्सटिंक्शन, क्रिटिकल इंडेंजर स्पीशीज की कैटेगरी में आने वाले थे, तो जब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए उस वक्त जो हमारे पास ये टाइगर रिजर्व्स थे वो बहुत ही कम थे, और इसको सरकार ने बढ़ाकर दोगुना कर दिया। मीन्स अभी हमारे पास 50 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, विच आर गवर्न्ड बाय प्रोजेक्ट टाइगर, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इंडिया इज होम ऑफ 80% ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 80% टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि कमलांग टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो इंडिया का 50वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट पॉइंट इज भूरामदेव फॉरेस्ट रिजर्व इन छत्तीसगढ़, सिचुएटेड इन बिटवीन कान्हा नेशनल टाइगर रिजर्व एंड अचनकमार टाइगर रिजर्व, हैज प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सिंस 3 years ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। नागार्जुन सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। द रिजर्व स्प्रेड्स ओवर 5 districts, जिसमें से आपकी 5 districts हैं कुर्नूल, प्रकाशम, गुंतूर, नालगोंडा एंड महबूबनगर। द टोटल एरिया ऑफ द टाइगर रिजर्व इज 3,728 km². नेक्स्ट बात करते हैं लेट श्री कैलाश संखाला, हु वॉज नोन एज टाइगर मैन ऑफ इंडिया, वॉज द फर्स्ट कंजर्वेशनिस्ट हु रेज्ड अ वॉइस इन फेवर ऑफ प्रोटेक्टिंग द टाइगर एज अर्ली इन 1956। नेक्स्ट बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ टाइगर रिजर्व स्टेटस इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा लिखा हुआ है कि अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टेट्स के जिनमें टाइगर के नंबर्स बहुत ही हाईएस्ट हैं, उसमें सबसे नंबर वन पे आता है MP, यानी कि मध्य प्रदेश, जहां पे टाइगर्स के नंबर सबसे ज्यादा हाईएस्ट हैं। सेकेंड नंबर पे है आपका कर्नाटका और थर्ड का उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में अभी टाइगर की संख्या उतनी पॉजिटिवली नहीं बढ़ी है। अब प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने भी ट्विटर पे ट्वीट किया था, ट्वीट करते हुए बताया था कि हमने, यानी इंडिया ने, ये टारगेट जो आपके टाइगर्स को बचाने का टारगेट था वो 2 साल पहले ही, मीन जो अपडेट दी थी उससे 2 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया था।